झारखंड को झारखंडी बताने वाला कोई अब तक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी सबसे ज्यादा हमारे इस राज्य में सत्ता को संभाली और इन 17 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी स्थानीय नीति नहीं लागू किया गया, नियोजन नीति नहीं लागू किया गया और अपने मर्जी के मुताबिक ये लोग बाहर के लोगों को लाकर यहां पर नौकरियां दिलवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए लोगों को यह लगा कि हमें अपनी सरकार चाहिए, माटी की सरकार चाहिए, गुरुजी की सरकार चाहिए, गुरुजी शिवो सोरेन की सरकार चाहिए और इसी उद्देश्य को लेकर एक एक लोगों ने, चाहे आप सत्यम की बात करें, केराप की बात करें या फिर सत्यम के माँ बाप की बात करें या फिर केराप के माँ बाप की बात करें या फिर आप तमाम लोगों की बात करें, आपके जो माँ बाप है, दादा दादी है, उनकी बात करें, एक एक व्यक्ति का यह सपना था कि हमारे इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बननी चाहिए। फाइनली हुआ, सरकार बनी हमारी। 2019 के चुनाव में आप लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ में 30 विधायक के साथ में बड़े भाई हेमंत जी को मुखिया बनाने का काम किया, इस प्रदेश का कमान संभालने लायक बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप लोगों ने उसे आसीन किया। अब हम सबों को तो लगा कि हमारे सपने पूरे होने को है, हमारे जो भी बच्चे हैं बच्चियां हैं उन तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में चूंकि हमारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है उसके संविधान में ये लिखित है कि जो भी व्यक्ति 1932 से हमारे झारखंड प्रदेश में रह रहा है, जिसके पास खतियान है, उन तमाम लोगों के बच्चों को या फिर उनके जो भी संतान है, तमाम लोगों को 100% यहाँ के बच्चों को नियोजित कराएंगे नौकरियों में। ये तो संविधान में लिखा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में। मतलब कहीं ना कहीं गुरु जी की भी ये मंशा थी, तभी तो संविधान लिखा गया, मंशा थी। परंतु ये सब देखने को आज नसीब नहीं है हमें। हेमंता के 2 साल कार्यकाल खत्म हो गए और इन 2 सालों में हेमंता ने कभी ये जरूरत महसूस नहीं समझा, उनको ये जरूरत नहीं लगा कि हमारे झारखंडियों को पहचान मिले। भाई पहचान क्या होगा, यहाँ तो बिहारी लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, यूपी वाले भी कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, महाराष्ट्र गुजरात और पंजाब हर एक लोग कहता है कि हम झारखंडी हैं। तो भाई पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जब बन गई और हमारे हेमंता यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, जिसके रगों में गुरु जी का खून होता है, हमारी कितनी आकांक्षाएं होंगी आप समझ सकते हैं, हम कितना उम्मीद उनसे बांधते होंगे आप समझ सकते हैं। एक एक हमारा झारखंड का बेटा बेटी ये उम्मीद बांधे हुए था कि अब हेमंता की सरकार है, हमें नौकरी मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं है, ना ही हमें पहचान दी गई। और जो नियोजन के तरीके अपनाए गए, नियोजन हमारे नौकरियों के नियोजन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे नियोजन के तरीके अपनाए गए भाई, वो पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। हेमंता के द्वारा क्या जानते हैं नियोजन का तरीका क्या अपनाया गया है जानते हैं? सरकारी नौकरियों में जो नियोजन का तरीका अपनाया गया है वो है मैट्रिक वाली नीति, इंटर वाली नीति। हम इससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, रघुवर जी के पीरियड की हम बात कर ले थोड़ी सी। उनके द्वारा स्थानीय नीति तय की गई थी और उसके द्वारा ही जो नीतियां तय की गई उसके द्वारा ही नियोजन करने का तरीका अपनाया गया, नौकरियां देने के तरीके अपनाए गए। उनका क्या तरीका था, उन्होंने कहा 6 बिंदु है, 6 कंडिका में है, जो कि स्थानीय नीति परिभाषित की गई थी रघुवर जी के द्वारा 2016 में। उसमें पहला बिंदु यह था कि जिनके हाथों में खदियान है वो व्यक्ति झारखंडी कहलाए, और जो खदियान अगर नहीं रखा हुआ है लेकिन काफी लंबे अरसे तक रहता चला रहा है, मतलब 1932 हो या फिर जब खदियान जो हमारे बने उन अवधि से रहता चला आ रहा है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो रहता चला आ रहा है काफी लंबे समय से, जिसके पास में खदियान नहीं, जो भूमि ही नहीं, तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि वो झारखंडी है या नहीं। ये एक नंबर पहला जो बिंदु था उसका ये था। दूसरा था कि यदि कोई व्यक्ति
झारखंड में 30 साल या फिर उससे अधिक अवधि से अगर हमारे झारखंड में व्यापार के दृष्टिकोण से रह रहा है या फिर ऐसे रह रहा है तो झारखंडी कहलाएगा, उसके संतान उनकी पत्नी झारखंडी कहलाएगी। तीसरा बिंदु यह था कि यदि कोई झारखंड में झारखंड का कर्मचारी, झारखंड राज्य का कर्मचारी या पदाधिकारी, तो वो व्यक्ति झारखंडी कहलाएगा, उसकी पत्नी कहलाएगी, उसके बच्चे कहलाएंगे झारखंडी। चौथा बिंदु था कि अगर कोई भारत सरकार का आदमी हमारे झारखंड प्रदेश में रह रहा या फिर कर्मचारी झारखंड प्रदेश में रह रहा तो वो झारखंडी कहलाएगा, उसका बच्चा बच्ची झारखंडी कहलाएगा, साथ साथ निगम कर्मी जो इस राज्य के निगम कर्मी वो भी झारखंडी कहलाएंगे, उनके बच्चे बच्चियां भी झारखंडी कहलाएंगे, उनकी पत्नी झारखंडी कहलाएंगे। और एक जो बिंदु था कि यदि कोई संवैधानिक पद पर आसीन है यहाँ पर झारखंड प्रदेश में, वो झारखंडी कहलाएगा, उसका बेटा बेटी झारखंडी कहलाएगा, उसकी पत्नी झारखंडी कहलाएगी। साथ साथ यदि कोई विधिक पद में हमारे यहाँ पर आसीन है कोई व्यक्ति। और ये सबसे अंतिम जो बिंदु था, छठा बिंदु, उसमें था कि यदि कोई बच्चा हमारे झारखंड प्रदेश में पैदा होता है और मैट्रिक तक की पढ़ाई या फिर उसकी समकक्ष पढ़ाई को पूरी करता है तो बच्चा झारखंडी कहलाएगा। और ऐसे तमाम लोगों को आने वाले दिनों में, ऐसे तमाम लोगों को भगवान जी के पीरियड में ये कहा गया कि ऐसे तमाम लोग हमारे झारखंडी कहे जाएंगे और उनको ही हम नियोजित कराने का एक माध्यम चुनेंगे। समझ गए, क्लियर हो गया सबों का, क्लियर हुआ ना भाई? मतलब ये भगवान जी के द्वारा कहा गया था कि जो राज्य में नौकरी करेगा वो झारखंडी, चाहे वो भारत का किसी भी नागरिक हो या फिर कहीं का, राज्य में नौकरी कर लिया वो झारखंडी हो गया, भारत सरकार का करे चाहे झारखंड सरकार का करे, जो पैदा हो जाएगा मैट्रिक तक की पढ़ाई कर लेगा वो झारखंडी हो जाएगा। तो ऐसे जो 6 नियम बनाए गए ये रघुवर जी के पीरियड में लाए गए, जिसमें कि हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया कि भाई कोई भी यहाँ पर पैदा हो गया, यहाँ पर मैट्रिक पढ़ लेगा तो तुम उसको झारखंडी बना दोगे, कोई भी यहाँ नौकरी कर लेगा तुम उसको झारखंडी बता दोगे। तो इन सारे तमाम नीतियों के खिलाफ में हम लोग हमेशा ही मुकर रहे सड़क में, सदन में। और बड़ी बात यह है यार, जो हमारे मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री परिवार अहमद जी, वो भी हम लोगों के साथ साथ में चीखते थे, चिल्लाते थे, बोलते थे कि रघुवर जी की नीति नहीं चलेगी, स्थान नीति रद्द करो, सदन में ये कहते थे और हमेशा ही हम लोग सदन में सड़क में विरोध करते। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आज के पीरियड में जो नीति बनाई गई है भाइयों, ये सबसे गलत नीति बनाई गई है। एक तो स्थानीय को परिभाषित इन लोगों ने नहीं किया, हेमंत जी ने नहीं किया है अभी तक परिभाषित कि स्थानीय हमारा कौन, झारखंडी कौन, झारखंड का पहचान कौन, झारखंडी की पहचान कौन, इसकी क्यों उनकी चिंता नहीं है। उन्होंने क्या किया, झारखंडी चाहे जैसे भी रहे मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं, बाहर के लोग जो उनके मित्र बहुत बंधु आजकल बहुत बन गए, सबके सब बाहर के लोग आते हैं। अब यही जाके देखिएगा, सचिवालय जाइए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग जाइए या फिर अपने उनके आवास जाइए, गुरु जी के आवास जाइए, अगर 100 आदमी वहां पर बैठा हुआ है तो 90-95 आदमी सब बाहरी रहता है। और वो लोग पता नहीं इनको क्या दिमाग लेकर आता है, तो इतना इनका मित्रवत संबंध हो गया है बाहर के लोगों से कि उनके बच्चों को कैसे हम लाएंगे यहाँ पर बिठाएंगे, कैसे उनको हम नियुक्त करेंगे नौकरियों में, उसकी चिंता इनको हो गई। इन्होंने क्या कर दिया कि जो बच्चा यहां मैट्रिक पास कर लेगा और इंटर पास कर लेगा बस उसको नौकरी मिल जाएगी। अब बताइए, अगर कोई बिहारी को मन करेगा कि यहां पर हमको नौकरी करना है, कितना दूर है यहां से बिहार, आएगा मैट्रिक पास करेगा नियुक्ति पाएगा, इंटर पास करेगा नियुक्ति पाएगा। अरे रघुवर जी ने तो कहा था पैदा होना भी जरूरी है यहां और मैट्रिक तक की पढ़ाई करनी चाहिए, हेमंत जी ने क्या कर दिया कि सिर्फ मैट्रिक पास करो इंटर पास करो नौकरी को, गलत है कि नहीं? यदि हम लोग गलत समझते हैं तो इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए भाई। और एक एक सम्मानित व्यक्तियों को हम कहना चाहते हैं, एक एक भाइयों को, कि जो जिस विधानसभा का है उस विधानसभा में ऐसा कोई भी विधायक नहीं हो जो कि हेमंत सोरेन का पक्ष में, एक एक विधायकों को अवकाश बता देना है, हम लोग को बताना है कि हम लोग झारखंडी और झारखंडी अपना अधिकार अपने लेकर ले सकता है। झारखंड जब आज बना है तो काफी जद्दोजहद के बाद बना है, काफी संघर्ष का परिणाम है झारखंड, ऐसे नहीं बन गया
और झारखंड बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे बच्चों को कैसे रोजगार मिले। जिस दिन हमारे घर में पैसे पहुंचेंगे, अगर हमारे बच्चे 10,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 की नौकरियां मंथली करेंगे तो निश्चित रूप में हमको लाल कार्ड और पीले कार्ड इंदिरा आवास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बात बताइए, पड़ेगी क्या? नहीं। तो हमें वैसा समृद्ध झारखंड चाहिए, किसी के फेंके हुए पैसे को हम नहीं हम लेकर जिंदा रहना चाहते हैं। चुनाव पहुंचेगा, पैसे दे देंगे हम, हमें 2,000-5,000 रुपये चावल पहुंचा देंगे, चावल की बोरियां दे देंगे, हरिया दारू पिला देंगे और हम उसका गुणगान करते रहेंगे। वो जमाना चला गया। अब आपको अगर इसमें चेंजेस लाने हैं तो आपको लाने पड़ेंगे। ऐसे लोगों को औकात पता नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी है। हम गुरु जी का सम्मान करते हैं लेकिन गलत नीति बनाने वाले हेमंत सोरेन को हम सम्मान नहीं करना। निश्चित रूप में खतियान जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या हुआ है कि 1932 से पहले भी सर्वे हुआ, कहीं पर 1932 के बाद भी हुआ है, लेकिन हम लोगों को टारगेट ये करना है कि खतियान धारी होनी चाहिए और खतियान ही हमारा आधार है। खतियान देखिए, बहुत लोग कहते हैं खतियान खतियान की बात आप लोग क्यों करते हैं। भाई हमारे इस हिंदुस्तान में 29 स्टेट और इन 29 स्टेट में हमारे यहाँ 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर की खतियान आधारित परिभाषा तय की गई है स्थानीय भाषा। तो आज यदि हम लोग कुछ मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ गलत कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। नहीं। तो इसके लिए आप लोग जो है देखिए, एक एक यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग कोई ग्रेजुएट कर रहे हैं, कोई MA MSc कर रहे हैं, कोई फिर तैयारी कर रहे हैं JPSC JSSC, तो आप तमाम लोग यदि ये समझ जाए कि आपको आप में इतनी काबिलियत है, आप समझ जाए कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि आप में वो टैलेंट है कि आप एक नहीं हजार लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। जैसे नहीं होता कि हम लोग हनुमान जी का नाम सुनते हैं रामायण में, उनको बताना पड़ता था कि भाई आप में टैलेंट है कि आप इस समंदर को लांग सकते हैं। तो आप में वो टैलेंट है भाई, हम इस चीज को बताने के लिए आए हैं कि आप में वो टैलेंट है कि आप एक नहीं हजार लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं। अब हजार लोग को आपको कन्विंस करना है कि आज की सरकार हमें हमारे साथ किस तरीके से चलने का काम कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, गुरु जी के नक्शे कदम पर नहीं चल रही है, गुरु जी के नाखून के बराबर नहीं है ये हेमंत सोरेन। तो आज यदि आप इन सारी चीजों को लेकर अपने अपने क्षेत्र जाएंगे तो ऐसे लोग फिर सत्ता में नहीं आएंगे जो कि हमारे लिए गलत नियम बनाए। अभी भाई सत्यम बोल रहे थे कि हम अपनी नीति नियम को खुद बनाएंगे, कोई बाहरी नहीं बनाएगा, क्योंकि हम यहाँ की नीति नियमों को के बारे में जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल होगा। तो जब आप में इतना टैलेंट है भाई, तो हम लोग इस टैलेंट को क्यों गंवाएं? झारखंड हमारा है, इस झारखंड को हमको कैसे संचालित करना है, कैसे हमको आगे बढ़ाना है, कैसे समृद्ध और खुशहाल बनाना है, ये हमारे जिम्मे, किसी बाहरी के जिम्मे में नहीं है। अभी आप बात करिएगा जितने भी हमारे सेक्रेटरी है विभिन्न विभागों में, सेक्रेटरी है, DC है, SP है, कौन है? 90-95% लोग बाहरी है। अब बताइए ऐसे बाहरी लोग हमारे लिए क्या कौन सा डिसीजन लेकर ला रहे हैं? आप आज यहाँ पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो 10 केस करते हैं ये लोग। क्यों? ताकि ये लोग चाहते हैं कि हम लेके आंदोलन को दबा दें। ये नहीं चाहते हमारे झारखंड का समृद्ध और खुशहाली नहीं चाहते। तो आप लोग को हम यही कहेंगे कि हम लोगों को एक इतिहास रचना है, इतिहास गढ़ना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग इतिहास गढ़ने के लिए पैदा हुए। आने वाले दिनों में हमको बताना है कि हम लोग भी गुरु जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी सिद्धू कानू चंद भैरव की धरती के व्यक्ति हैं, जहां इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने हमें बताने का काम किया है। हमारा जब इतना गौरवशाली इतिहास रहा है तो आज हम लोग अपनी गौरव गाथा को क्यों बुला दें? हम लोग को भी उसी नक्शे कदम पर चलना है जिस रास्ते हमारे सिद्धू कानू चंद भैरव गए, वही संघर्ष का रास्ता हम लोगों को भी अख्तियार करना। कौन हमें हमारे झारखंड से अलग कर सकता है? कौन हमें हमारी पार्टी से अलग कर सकता है? हम इस पार्टी का सम्मान करते हैं और झारखंड को हम लोग उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसको शिखर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो ऐसे जो भी व्यक्ति आज सत्ता में बैठे हैं उसको आप लोग
यहीं से चेतावनी देने का काम करिए, एक एक व्यक्ति को बताने का काम करिए कि हम लोग हैं झारखंडी। झारखंडी हमारी पहचान जो है खतियान, और हम अपनी पहचान को लेकर रहेंगे, हम अपने हाथों में रोजगार लेके रहेंगे। जेपीएससी जेएसएससी की बात कर ले, सत्यम बैठे हुए हैं, तीन दिन बाद जेपीएससी कंप्लीट किए हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन आज बताइए, ऐसे लोगों को इसको जॉब नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 60 लाख 70 लाख रुपया नहीं है। 60 लाख रुपया अभी रेट हो गया, 70 लाख रुपया रेट हो गया है डीएसपी और आपका वीडियो सीओ बनने के। तो आज भ्रष्टाचार का आलम इतना बढ़ा हुआ है, इसको हम बयां नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपने फेसबुक में पोस्ट किया था कि जेपीएससी और जेएसएससी राज्य ही नहीं पूरे देश की भ्रष्टतम संस्थाओं में शुमार। तो भाई हम लोग पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ पढ़ते पढ़ते हम लोग मर नहीं जाए इस बात का ख्याल हम लोगों को रखना। हम लोग उस जगह में पहुंचना भी हमें है, हमारा ही बच्चा कल जाके वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा, दारोगा बनेगा, एसपी डीएसपी डीसी तक बनेगा, और हम लोग इस झारखंड को बेहतर तरीके से संचालित करेंगे, कोई बाहरी नहीं कर सकता। इसके लिए आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। झारखंड हमारा 21 साल बने हुए हो गया, लेकिन आज हम 21 साल पीछे हैं। इसको आखिर कौन आगे ले जाए? पढ़े लिखे युवा ही ले जा सकते। मैं आप सबों के बीच में यही बातें कहने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं, और हम एक एक से हम निवेदन आग्रह विनती करते हैं कि आप लोग अपने गांव समाज, अपने प्रखंड पंचायत, अपने जिला, अपने झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध और खुशहाल झारखंड के लिए, झारखंडी के अधिकार के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएं।